अब देखो बेटा नेक्स्ट है टेस्ट ऑफ प्रोटीन, ठीक है। कैसे पता करें कि किसी खाने में, किसी आपके किसी फूड आइटम में प्रोटीन की मात्रा है या नहीं, ठीक है। उसके लिए क्या करेंगे, आपका कोई फूड आइटम ले लो, ठीक है, या फिर आप कोई रॉ कोई वेजिटेबल या फ्रूट लेना चाहते हो वो ले लो उसका, या तो पाउडर फॉर्म में ले लो या पेस्ट बना लो, ठीक है। या तो आप उसको पेस्ट फॉर्म में ले सकते हो, पाउडर फॉर्म में ले सकते हो, उसको टेस्ट ट्यूब में डाल दो, ठीक है। टेस्ट ट्यूब में डालने के बाद उसमें 10 ड्रॉप ऑफ वाटर, ठीक है, उसमें 10 बूंद पानी आपने डाल दिया, ठीक है, वो डालो और उसके अच्छी तरीके से सेक करो, करते हैं टेस्ट ट्यूब को ऐसे ऐसे सेक करने के बाद अब क्या करोगे उसमें 2 ड्रॉप ऑफ कॉपर सल्फेट, 2 ड्रॉप आपको कॉपर सल्फेट की डालनी पड़ेगी, ठीक है। और उसके बाद 10 ड्रॉप ऑफ कास्टिक सोडा, और उसके बाद जो 10 ड्रॉप है वो आपको कास्टिक सोडा की भी डालनी पड़ेगी। अब उसके बाद उसको आप अगर हिला के देखोगे थोड़ी देर बाद आप क्या देखोगे, उसका अगर कलर जो होता है वो वायलेट हो जाता है, क्या हो जाता है, वायलेट हो जाता है, तो आप समझ जाओ कि उसके अंदर प्रोटीन की मात्रा है, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं होता है तो सिर्फ बकवासबाजी है, इसके मींस इसके अंदर प्रोटीन की मात्रा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है बेटा। यहां तक समझ में आ गया, क्या क्या डाल रहा है उसमें आपको, या पाउडर या पेस्ट की फॉर्म में टेस्ट ट्यूब में डाल देना है, उसके बाद 10 ड्रॉप ऑफ वाटर डालना है, ठीक है, उसको अच्छे से घोल देना, मिला देना है, उसके 2 ड्रॉप कॉपर सल्फेट की लेनी है और 10 ड्रॉप ऑफ कास्टिक सोडा की लेनी है, ठीक है, 2 ड्रॉप कॉपर सल्फेट 10 ड्रॉप कास्टिक सोडा, और उसके बाद उसको मिला के थोड़ी देर देखो तो उसके अंदर उसका कलर जो होगा वॉयलेट हो जाएगा, ठीक है। अगर ऐसा होता है तो उसके इसका मतलब है कि उसके अंदर प्रोटीन है, अगर ऐसा नहीं होता है इसका मतलब उसके अंदर प्रोटीन की मात्रा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो ये था टेस्ट प्रोटीन का, अब चलते हैं नेक्स्ट टेस्ट की तरफ, ठीक है, चलो।